PLFI के नाम पर पैसा मांगने वाला अपराधी पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है। रांची SSP कौशल किशोर ने बताया कि PLFI के कमांडर राजेश गोप के नाम पर एक फैक्ट्री के मालिक से रंगदारी की मांग की गई। इसको लेकर एक टीम गठित करके सूचना के आधार पर इसमें शामिल चार व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। देखिए, दिनांक 15/10/22 को सुपुदाना ओपी क्षेत्र के एंसिलरी इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री के मालिक से PLFI के नाम पे, PLFI के कमांडर राजेश गोप के नाम पर पैसे की मांग की गई। पर्चा फेंका गया PLFI का, दो व्यक्ति बाइक से आए थे और पर्चा फेंक करके उनको रंगदारी की राशि देने के लिए पर्चा डाला गया। उसके बाद उनके मोबाइल नंबर पर एक नंबर से फ़ोन किया गया और लगातार ही उसके बाद फ़ोन आता रहा, जिसमें उनसे रंगदारी की राशि मांगी गई। इसको लेकर DSP हटिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सुपुदाना थाना प्रभारी और कई सारे सब इंस्पेक्टर्स और SI शामिल थे। इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। मानवीय आसूचना और तकनीकी आसूचना के आधार पर जीरो इन किया गया और उसके आधार पर अंततः इसमें शामिल चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। शिवशंकर केसरी, तस्लीम अंसारी, सुहेल अंसारी और मंजूर आलम। इन चार में से अगर हम मुख्य व्यक्ति की बात करें, शिवशंकर केसरी इसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका मास्टरमाइंड था, जिसने पूरा प्लान किया था बाकी तीनों के साथ मिल करके। शिवशंकर केसरी का पुराना भी आपराधिक इतिहास रहा है, वह पहले भी PLFI से जुड़ा रहा है और उसके विरुद्ध दो आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। तस्लीम अंसारी और मंजूर आलम के खिलाफ भी दो मामले आर्म्स एक्ट से संबंधित पहले से दर्ज रहे हैं नगड़ी थाना क्षेत्र में, और एक रातू थाना क्षेत्र का भी मामला है। इनके पास से जो मोबाइल फ़ोन रंगदारी मांगने के लिए यूज किया जा रहा था, वो फ़ोन भी बरामद हुआ है, सिम कार्ड भी बरामद हुआ है। जिस बाइक से ये लोग गए थे, जिससे इन्होंने पर्चा डाला था फैक्ट्री के अंदर, वो बाइक भी बरामद हुई है। और ये बेसिकली जो राशि मांग रहे थे और जिस वाहन का प्रयोग कर रहे थे उस राशि को प्राप्त करने के लिए या लेने के लिए, तो वो कार भी बरामद हुई है। इसके अलावा जो PLFI संगठन का जो चंदे की रसीद होती है, वो रसीद की भी कुछ प्रतियां इनके पास से बरामद हुई हैं। तो कुल मिलाकर बहुत तेज़ी से त्वरित कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस के द्वारा DSP हटिया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है और इस घटना में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया। क्योंकि इसमें से जो, जैसा मैंने बताया कि जो शिवशंकर केसरी उर्फ बल्लू नाम का जो व्यक्ति है, वो पहले भी PLFI से जुड़ा रहा है, 17 CLA के मामले में पहले भी वो जेल जा चुका है, तो वैसे में शंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी हम लोग रिमांड पे लेकर के और विस्तार से पूछताछ करेंगे, जिससे ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगा कि ये खुद से एक नया गिरोह बनाने के क्रम में ये घटना को अंजाम दिया गया या वस्तुतः ये उस संगठन से जुड़े। जैसा मैंने बताया आपको कि रिमांड में लेने के पश्चात विस्तृत पूछताछ के बाद ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगी, बट प्रथम दृष्टया चूंकि पर्चा भी डाला गया है और इनका आपराधिक इतिहास भी इस प्रकार के संगठन से जुड़े होने का है, इसलिए उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।